सारा किश दिल्ली का चलना है, जम्मू वाले उन्हें आखिया मिमी राणा तुम्मी राणा घा कुतू खाना, मेरी गल नहीं तो सुना दे, इतू गड्डी जानी दिल्ली दिल्ली इतने आनी, अहें इतने चाहिए। अगर एल जी साहब बड़े पावरफुल हैं एक आर्डर कर टोल बंद हो जाओ, जल्द टोल बंद हो जाओ राजदूसभा सजाद भाई आप देख रहे हो जम्मू का नौजवान किस तरह सड़कों पे है, ये नौजवान के साथ जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है, तभी आज हम लोग सड़कों पे हैं। ये जम्मू की आवाज है युवा रायपुर सभा, जम्मू के उन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं जहां पे जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। कहां है वो लीडर जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम जम्मू के साथ इंसाफ लगाएंगे, मगर आज इंसाफ कहां है? युवा हमारा सड़कों पे है, नौजवान हमारा बेघर है, क्या है, क्या है जम्मू कश्मीर में है क्या? एक स्टेट जहां पे यूटी बना दी, यूटी बनाने के बाद कहा यहां दूध की नदियां बहेंगी, यहां दूध की नदियां नहीं, यहां पसीने की नदियां बह रही हैं। बड़े सेकनी आती रोटियां पॉलिटिकल रोटियां सेकनी हैं। हम लोग हैं युवा रायपुर सभा के जो सदस्य हैं, ये जम्मू के हित की बात करते हैं और हमेशा हित की बात करते हैं। पार्टियां आज अपने बेनिफिट के लिए अंदर बैठी हुई हैं क्योंकि उनको डर है कि हमारा वोट बैंक चला जाएगा, मगर यहां वोट बैंक की बात नहीं है, हमारे मान सम्मान की बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, जम्मू कश्मीर के मुद्दों में एक ही रहेगा जब तक हमें यहाँ पे फैसला नहीं आता और ये टोल बंद रही होगा। देखिए ये सरकार देखती है और हमारे बड़े जो हमारे प्रधान बैठे हुए हैं, सीनियर प्रधान मेंबर बैठे हुए हैं, ये हम डिसाइड कर लेंगे किस तरह से चल रहा है, या भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अस कोई भी आनी है इतना शरेल है, अस वो साढ़े बड़े पुराना है, कोई भी पार्टी कोई भी आनी शरेल है, युवा रायपुर सभा उनके पिछे रोग, लेकिन अपने डोगरे का कम करग, अस डोगरे को यह उम्मीद है कि अस उनका कम करिए, उनकी वाहवाही लेना चाहिए कि अस कम करा रहे हैं। बाकी साढ़ा कोई भी आनी ऐसी हाईजैक कर ले, असें उस कुछ चीज कोई परवाह नहीं है, अस श्रेय नहीं लाना चाहते, श्रेय उ लैन, लेकिन साढ़ा कम होना चाहिए डोगरे का कम बंद अस पीसफुल तरीके जो आए थे अच्छ प्रोटेस्ट कर, क्योंकि माननीय एल जी साहब ने जो कल आखिर एक दो दिन से टोल प्लाजा जो बंद किया जा पीसफुल तरीके आए थे। अगर एक गल नहीं आखी होंगी एल जी साहब ने तो शायद अच्छे जेसीबी आई दी होंगी इतने, और अस वो बिल्कुल एल जी साहब के समर्थन चा, और अगर ये पीसफुल तरीके हो जाता तो युवा रायपुर सभा जल्द लिखित लगभग उल उतू उठिए चली जा, अं कोई आदेश नहीं मिले है, अगर ये आदेश मिले होता तो शायद साढ़ा जो डोगरा समाज इतना किट्ठा होता यह नहीं होना इतने जेल थोड़ी लिखित नहीं लगभग उल थोड़ी चलता रहना। अस सारी जनता का अपील करके कि एक दो घंटे के प्रदर्शन के बाद सारे अपने अपने घरें चली जा, युवा रायपुर सभा इन चेर इतने डटी रोग जिन चेर अं लिखित नहीं लगभग है। साढ़ा कोई इंदे कन्नै मतभेद नहीं है, ये भी साढ़े लेखे घरों काम करना आए हैं, जियां अस अपने डोगरा समाज का काम करा, ये भी बेचारे काम करना आए हैं, लेकिन प्रशासन ने दिखना चाहिए कि अस कोई गलत मांग करा दे, अगर गलत मांग की जाती तो अं डंडे मारते जो अं मर्जी कर, असें अपने डोगरा समाज की गल चुकी दी है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां अगर ये गल चुकी दें तो अज युवा रायपुर सभा की बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, ही इन्हें गै करी उड़ना चाहिए, अस कोई पॉलिटिकल नहीं है और ना पॉलिटिकल बनना चाहते हैं, लेकिन ये डोगरा समाज की अगर गल चुकी लेंदे तो अस बाहर नहीं आते, और जो अ युवा रायपुर सभा ने अपने डोगरे की 21 तरीक का जो प्रदर्शन करने का दसा कि 21 तरीक टोल बंद कराना, वो टोल बाद बंद कराइए दसना, और युवा रायपुर सभा इन्ने चेर इतों नहीं उठन लगी जिन्ने चेर यह टोल बंद होग और अं लिखे च नहीं दिता जाए। राजा जो माननीय एल जी साहब उन्हें एक गल इले थोड़ी लिखित देनी चाहिए, उन्हें नहीं दी है, मैं समझना पता नहीं NIHA जो नैशनल हाईवे अथॉरिटी है वो एड्डी वड्डी पावर है कि वो साड़ी सरकार की भी नहीं मन रही है, अस ये बड़ी वड्डी शर्मिंदगी है साढ़े डोगरे वास्तै, साढ़ा डोगरे समाज वास्तै कि अस एड्डे वड्डे प्रशासन के थले बैठे साड़ी गल नहीं मनवा रही है। अज बंद हो कल बंद हो महीना लगभग युवा रायपुर सभा इतना डटी रोग जिन चर अं लिखित नहीं लगभग।